तो दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं दाल की रोटी। इस बार जब हम गर्मियों में घर गए थे गांव पर, तो वहां पे मैंने ना कई तरीके की दाल तैयार किए थे। हर साल मैं दाल अपने घर से कई तरीके की तैयार करती हूँ, खुद ही बोती हूँ और उसे तैयार करती हूँ। तो इस बार ना मैंने चना, उड़द और मूँग की दालें तैयार किए थे। और जब हमने दाल तैयार कर रहे थे ना, तो इन सारे दाल के जो छोटे वाले टुकड़े थे, उन सारे छोटे टुकड़े को हमने झाड़ के अलग बर्तन में ले लिए थे। तो देखिए ये सारे दाल के छोटे वाले टुकड़े हैं, इनको मैंने अच्छे से झाड़ के साफ कर लिए हैं। तो आज ना इन्हीं की मैं रोटी बनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ गर्मियों में दाल तैयार करते हैं और इन छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके रख लेते हैं। जब मौसम थोड़ा चेंज होता है ना, बारिश होती है, तब इसकी हम रोटियाँ बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इस दाल को ना हम अच्छे से दो तीन पानी धो लेते हैं और धोने के बाद फिर इसे हम भिगोएंगे। तो देखिए हमने इस पर पानी डाल दिया और अच्छे से इसे हम ना तीन चार पानी धो लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी दाल जो है बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। तो धोने के बाद इस तरह से हमारी दाल एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसके बाद इसे हम साफ पानी डालेंगे और लगभग एक से डेढ़ घंटे के लिए रख देंगे। ये दाल के छोटे टुकड़े हैं तो ये बहुत जल्दी से फूल जाते हैं। तो चलिए इसको एक डेढ़ घंटे के लिए हम रख देते हैं फूलने के लिए। तो फिर चलिए दोस्तों बनाते हैं ये वाली रोटी हम। तो देखिए दाल को ना अच्छे से हमने भिगो लिए हैं और दाल देखिए बढ़िया सा फूल गया है एकदम से, और इसे हमने धो के और इसका पानी जो है सब निकाल दिए हैं। तो चलिए इस सारे दाल को हम निकालते हैं एक बड़े से बर्तन में। सारे दाल हमने एक बड़े बर्तन में ले रहे हैं। तो ये दाल तो हमने एक बड़े बर्तन में ले लिए हैं। अब इसमें ना हम डालेंगे देखिए ये महीन कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमने बारीक काट लिए हैं और साथ में देखिए ढेर सारा डालेंगे कटा हुआ लहसुन। इसमें ना लहसुन और प्याज का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये जब दाल के साथ आटे के साथ जब ये लहसुन पकते हैं ना, तो ये बहुत टेस्टी आते हैं। और साथ में हम डालेंगे देखिए कुछ कटे हुए हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा इसमें हम मिर्च मसाले वगैरह नहीं डालते हैं, सिंपल सा गांव की रेसिपी है। तो इसमें हम बस प्याज, लहसुन, थोड़े अदरक भी डाल सकते हैं, तो अदरक है नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे अजवाइन। तो देखिए ये हम लिए हैं लगभग आधी चम्मच अजवाइन। इससे क्या होना हमारे जो ये रोटी है ये सुगंधित और टेस्टी बनेगी। तो लीजिए हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हिसाब से डालेंगे क्योंकि इसमें हमें गेहूं का आटा डालना है, तो आटे में भी नमक का स्वाद आए इस हिसाब से इसमें नमक हम डाल देंगे। तो लीजिए हमने नमक डाल दिया और अच्छे से ना अब हम मसल के पहले दाल में सबको मिला लेंगे। इस तरह से देखिए मसल के दाल के साथ में हम मिला ले रहे हैं प्याज, लहसुन, मिर्च और हमने जो जीरा अजवाइन वगैरह डाले हैं, नमक डाले हैं सबको। लीजिए हमने दाल के साथ इसे हम मिक्स कर लिए हैं। तो अब ना इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना है, हमें आटा उतना ही डालना है जितना कि दाल की हमारी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, यानी हम जब रोटी इसकी बना सकें। बहुत ज़्यादा आटा डाल देंगे तो हमारा दाल अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो आटा हमें हिसाब से ही डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे इस तरीके से। तो अभी देखिए इसमें ना अच्छे से बाइंडिंग नहीं आ रही है, तो थोड़ा और हम आटा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी का छींटा देते हुए इसे हम गूंथेंगे। तो पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो रोटी हमारी गीली हो जाएगी, हमें आटा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो बस हमें पानी का हल्का छींटा देना है ताकि जो ये सब इकट्ठा होने लगे, दाल के साथ सब इकट्ठा होने लगे, यानी जिसकी हम रोटियाँ बना सकें। तो इस तरीके से जब ये इकट्ठा होने लगेगा, इस तरीके से हमें इसे इकट्ठा करना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम पहले अच्छे से, तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े पानी का छींटा देते हुए बढ़िया सा आटा गूंथ लेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले इसे हम गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आटा हमने गूंथ के तैयार कर लिए। तो देखिए इस हिसाब से हमने इसका आटा लगाया है दाल के साथ, तो दाल देखिए अच्छी तरीके से इसमें दिख रहा है और इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो गई है। तो हमें बस इतना ही इसमें आटा डालना था और अब देखिए ये कितना अच्छे से इकट्ठा होने लगा है। तो बस इसको इसी तरीके से हमें इकट्ठा करना है। तो चलिए अब हम इसकी बनाएंगे रोटी मोटी। तो जब इसकी रोटी ना इस तरीके से बनने लगे
तो इसमें अब हम आटा नहीं मिलाएंगे और अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो रोटी मैं अभी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी हम जलाएंगे यहाँ पे आग, तो आग जला लेते हैं, तवा गर्म हो जाएगा तब हम इसकी रोटी बनाएंगे, क्योंकि इसे रोटी हाथ पे ही बनाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट इसे हम तवा पे डालेंगे। तो चलिए ये इकट्ठा हो गया, तो इसको हम रखते हैं और जलाते हैं आग। तो दोस्तों देखिए हमने आग जला लिए हैं और अब हम रोटी बना रहे हैं। तो इसको ना इस तरीके से देखिए दोनों हाथों से प्रेस करके, आप चाहे तो अगर आपसे ना बने तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, या फिर आप सूखा आटा लगा के इसे थोड़ा पतला फैलाएंगे, मोटा नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये दाल है ना ये अच्छे से सीकेगा नहीं। तो संभालते हुए इसे हम देखिए दोनों हाथों से इस तरीके से देखिए रोटी बना ले रहे हैं। तो ये देखिए हमने ये हमारी रोटी बन के तैयार हो गई। तो अब इसको हम डालेंगे तवे पर। तो आज ना बिल्कुल ये चिपके ना, ये तो आज बहुत तेज है, ये जल जाएगा। इसे हमें एकदम धीमी आंच पे सेकेंगे तभी ये हमारा जो दाल और आटा है ये अच्छे से सीकेगा, नहीं तो ऐसा क्या होगा ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से अच्छे से सीकेगा नहीं। तो चलिए आज को हम सर्व कर लेते हैं। तो एक तरफ ना जब थोड़ी हल्की चिट्टी पड़ जाए तो उसे पलट देंगे। तो इसे हम देखिए पलट दिए हैं और दूसरे साइड देखिए इसे सेक रहे हैं। तो इसे हल्की आंच धीमी आंच पर थोड़ा इसे हम सेक लेंगे, उसके बाद इसे हम देखिए नीचे उतार के चूल्हे में सेकेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसे हम और तवे पर सेकने देते हैं जब तक कि ये दूसरी रोटी हम तैयार नहीं कर लेते हैं। तो फटाफट से दूसरी रोटी तैयार करते हैं और उसके बाद उसे हम नीचे उतारेंगे चूल्हे की आंच में सेकेंगे। तो ये हम लगा देंगे इसमें थोड़ा पानी और फिर इसे हम अच्छे से बना देंगे। तो ये रोटी हमारी, इसको हम उतार देते हैं नीचे और इस रोटी को हम डालते हैं तवे पर। ये तो अब इसे हम ना चूल्हे की आंच में सेकेंगे। तो दोस्तों सभी रोटियां हमने बना लिए हैं और कुछ रोटियों को हमने देखिए चूल्हे की आंच में सेक लिए हैं। रोटी सेकने के बाद उसका कलर बिल्कुल इस तरीके से आएगा। इस तरह से चूल्हे की आंच में जब धीमी आंच में हम रोटी सेकते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से धीमी आंच पे सिकता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम तवा उतार देते हैं और जो बाकी की रोटियाँ हैं उन्हें भी हम आँच में सेक लेते हैं। तो इस तरह से उलट पलट के हम उन्हें अच्छे से सेक लेंगे। सेकने के बाद फिर सारी रोटियों को हम रख देते हैं थाली में। ये रोटी वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, गांव देहात की ये रेसिपी है, गांव में सीजनल सीजन में बनता है और इस रोटी को हम खाते हैं चटनी के साथ। तो इस रोटी के लिए हमने बनाए हैं आम की चटनी, खट्टी मीठी किसी भी चटनी के साथ इस रोटी को खाएंगे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने आम की चटनी बना लिए हैं और इस रोटी को हम आम की चटनी के साथ खाने वाले हैं। तो ये रहा आम की चटनी और ये रही हमारी दाल वाली रोटी। तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं और आप वीडियो एंजॉय कीजिए। ये रोटी मैं इधर साइड में रख देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। ये वाली रोटी मुझे बहुत पसंद है, ये जब दाल हम तैयार करते हैं तभी बनाते हैं। आपके पास अगर दाल ना हो तो आप दाल के छोटे छोटे टुकड़े खुद भी कर सकती हैं, मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा मोटा पीस लीजिए उसके बाद इसे बनाइए। तो देखिए इस तरीके से ये रोटी तैयार हो गई है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर आपका मन करे बनाने के लिए तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। आपके पास दाल नहीं है तो दाल को थोड़ा मोटा मिक्सर में पीस लीजिए। चलिए हम जल्दी जल्दी ये रोटी खाते हैं, बाकी सबको खिलाते हैं। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।